वेलकम बैक टू एसएम इंक्यूबेटर्स। दोस्तों आपका एसएम इंक्यूबेटर्स में स्वागत है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि बैच वाइज एग्स इंक्यूबेटर्स में कैसे रखते हैं और मैं आपको ड्रॉ करके बताऊंगा कि बैच वाइज एग्स कैसे रखे जाते हैं इंक्यूबेटर्स में। 1000 में बताऊंगा, 1500, 80, 160, 275 का मशीन ड्रॉ करके मैं आपको बताऊंगा कि उसमें एग्स कैसे रखने, मतलब आपको रखने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, आप इजिली रख सकते हो। ठीक है, चलो आपको बताता हूँ। तो मैं आपको बता देता हूँ ड्रॉ करके एडीए कैपेसिटी का इंक्यूबेटर्स। तो एडीए कैपेसिटी का इंक्यूबेटर्स अपना ऐसा कुछ होता है, देखिए इसके अंदर ये ऐसा ट्रे होता है, यहाँ पे आप इनसाइड में पानी का बाउल रखते हो मशीन के अंदर। तो आप यहाँ पे 80 एग्स लगाते हो एट ए टाइम, या आप बैच वाइज एग्स लगाते हो। तो समझो बैच वाइज एक लगा रहे हो, तो जिनको ये ट्रे में से 18 डेज कंप्लीट हो गया, 18 डेज कंप्लीट होने के बाद आप एग्स को नीचे रखना है, 19 to 21 डेज आपको एग्स नीचे रखना है। वही आप देखोगे मेरा 160 वाला मॉडल, तो मैं ही ये इंक्यूबेटर्स के इसको एक्सटेंड करता हूं। ये हो गया हमारा 160 कैपेसिटी वाला मॉडल। 160 कैपेसिटी में डबल ट्रे आते हैं, तो इसमें भी सेम प्रोसीजर करना है। समझो आपको एक 160 एग में से आपका समझो जो बैच वाइज मतलब वीकली जो प्रोडक्शन निकल रहा है, तो वीक का एग्स आप यहां लगा सकते हो। एट ए टाइम आप 160 एग्स डालते हो तो आपको पैनल में ऑप्शन होता है ऑटो सब टर्निंग ऑफ करने का, लेकिन आप बैच वाइज डालते हो तो खाली 15 या 20 अंडो के लिए आप टर्निंग तो ऑफ नहीं कर सकते हो, तो इसलिए आपको एग्स को नीचे रखना है। नीचे इंक्यूबेटर्स में जगह होती है, तो आप उसमें यहां एग्स रख सकते हो। इसमें पानी का बाउल सेंटर में ही रखना है, जैसे मैंने वीडियो में बताया था। अभी समझो आप 275 का मशीन लेते हो, तो उसी में भी सेम प्रोसीजर है। देखो मैं उसी को बड़ा कर रहा हूं, देखिए अभी 275 कैपेसिटी का मशीन हो गया। ये जो आपको दिख रहे होंगे ये जो तीन ये ट्रे है, ये जो है तीन ये ट्रे है, यहाँ पे आप बैच वाइज एग्स रख सकते हो। अभी समझो इसमें बैच वाइज कितना आपको पर वीक आ रहा है, 275 में 91 एग्स आते हैं, तो 91 पर वीक के हिसाब से आप नीचे एग्स रख सकते हो, 91 91 91। जब आपको मैं बता देता हूँ ये एग्स में ये ट्रे में आपने 91 एग्स रखे, अगले वीक आपने इसमें 91 एग्स रखे, उसके अगले वीक आपने इसमें 91 एग्स रखे। जब आप 4 टाइम यहाँ पे डालने जाओगे एग्स, तब तक इसका 18 डेज कंप्लीट हुआ रहेगा, तो आप वो एग्स यहाँ पे नीचे हैचिंग के लिए रख सकते हो। ऐसे ही आपका साइड बाय साइकिल चलता रहेगा, इसके बाद ये ट्रे होगा, इसके बाद ये, ऐसा वीकली प्रोडक्शन निकाला जाता है। वीकली प्रोडक्शन में आपका फायदा बहुत होता है दोस्तों, आपका वीक के हिसाब से बैच निकलती है। आपको एट ए टाइम भी निकालना है तो निकाल सकते हो, लेकिन आप वो एक करोगे क्या जो आपने हैचिंग के लिए आपने स्मॉल स्केल के लिए जमा किए हैं, खुद ने डेवलप किया, तो आपको बाजार में अपने अच्छे एग्स बेचना पड़ते हैं, तो वैसा ना करना हो तो आपको ये बेस्ट ऑप्शन मैंने आपको बता दिया। अभी मैं आपको 1000 और 1500 का आपको बता देता हूँ। 1000 1500 में ज्यादा कुछ नहीं है, ये मैं रब करके बता। मैं 1000 to 1500 एग्स के लिए आपको बता रहा हूँ। ये 1000 to 1500 का मशीन है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये 1000 और 1500 कैपेसिटी में क्या होता है, ऐसे सेटिंग ट्रे होते हैं, आप देख रहे हो, देखो ऐसा सेटिंग ट्रे का, ये सब सेटिंग ट्रे आपको जो दिख रहे हैं, ये है हमारी सेटिंग ट्रॉली आपको दिख रही है। ड्रॉइंग पे मत देखिएगा, आपको मैं जो इंफॉर्मेटिव वीडियो जो बता रहा हूं वो आप देखिए। इसमें आपको दो हैचिंग के लिए ट्रे आती है नीचे, इसको आप बोलोगे सेटिंग ट्रे, इसको आप बोलेंगे इस
इसको बोलेंगे आप हैचिंग ट्रे। ये आपकी सेटिंग ट्रे होगी, ये आपकी हैचिंग ट्रे होगी। इसकी कैपेसिटी होगी 1020 एग्स की होगी। अब एक ट्रे में 102 अंडे आते हैं दोस्तों, तो इसका 1020 सेटिंग कैपेसिटी होगी। इसकी कैपेसिटी हो गई हैचिंग की 400। ये पर ट्रे आपको 200 पर एग्स, पर ट्रे आपके 200 एग्स आते हैं। तो दो ट्रे मिला के कितने हुए 400। दो ट्रे मिला के आपकी कैपेसिटी हो गई 400। अभी आप तो बैच वाइज आपको तो पता है इसमें पर वीट कितना डाला है, 333 एग्स, 333 पर। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन मैं आपको ये जो गाइडेंस दे रहा हूं, जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं, ये आपको कहीं पे भी देखने नहीं मिलेंगी। हमें ये गवर्नमेंट से, जब मैं गवर्नमेंट में ट्रेनिंग देता हूं तो उस हिसाब से मैं ये ब्लैकबोर्ड पे दिखा के सिखाता हूं, लेकिन वहां पे हमारा लेक्चर मराठी में होता है, तो मराठी में सभी को ये लेक्चर देना पॉसिबल, मतलब यूट्यूब पे मुझे मराठी में लेक्चर देना पॉसिबल नहीं हो रहा, इसलिए मैं आपको स्पेशली यहाँ ऑफिस में बोर्ड रख के मैं आपको वहां पे बता रहा हूँ कि कैसे आपको करना जरूरी है, क्योंकि मेरे व्यूअर्स को अच्छा इन्फॉर्मेशन देना यही मेरा एक फर्ज बनता है, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। अभी इसमें क्या हो गया, 1000 और 1500 में सेम होगा, खाली इसमें हैचिंग का प्रोसेस भी आप 500 वीकली हैच कर सकते हो और इसमें सेटिंग आपको वीक में 500 एग्स डालना है, सेम इसके हिसाब से। लेकिन अभी आपको एट ए टाइम 1500 एग्स डालना है तो आप क्या करोगे, तो ये जो आपको इसके अंदर जो दिख रहा होगा, ये जो सेटिंग ट्रॉली दिख रहा है और ये हैचिंग ट्रॉली दिख रहा है, तो ये आपको सेटिंग ट्रॉली है ना, ये रिमूवेबल होता है अपना, तो ये आपको रिमूव कर देना है, ये सेटिंग ट्रॉली आपको रिमूव कर देना है। देखो आपने सेटिंग ट्रॉली रिमूव कर दी, तो अभी आपका पूरा ये हैचर बन गया, दिख रहा है आपको। सेटिंग ट्रॉली जो होता है हमारा वो रिमूवेबल होता है 1000 और 1500 में। अभी ये आपका पूरा बन गया हैचर, तो आप एट ए टाइम 1000 एग्स आप उसमें डालना चाहते हो तो इसके ऊपर और आपको पांच ट्रे रखने हैं, तो आपको इसमें 200, इसमें 200, इसमें 200 और इसमें 200 और इसमें 200, तो आपके कुल मिला के 1000 कैपेसिटी हो गई हैचिंग के लिए। तो मैंने आपको बताया, आपको समझ आया होगा, आप एट अ टाइम 1000 भी डाल सकते हो और बैच वाइज आप 333 एग्स डाल के वीकली भी प्रोडक्शन निकाल सकते हो, ये बेनिफिट होता है। अभी इसका ओवरऑल कैपेसिटी देखने जाओगे तो यहाँ पे सेटर था, अभी जो मैंने बताया था तो वीडियो में बताया था, ये देखिए यहाँ पे जो सेटर था और ये 400 का हैचर था, तो सेटर था हमारा 1020 कैपेसिटी का, मतलब 1020, और आपका हैचर जो था हमारा वो था 400 कैपेसिटी, तो आपका कुल मिला के कितना हो गया दोनों मिला के 1420, सॉरी यहां पे जीरो ज्यादा डाल दिया हमने, 1420 मतलब 1420 कैपेसिटी का आपका मशीन हो गया ये 1000 अंडों का। और आप समझो 1500 अंडों का लेते हैं तो 1500 अंडों का आपका जाता है 1500 प्लस, आप ये करोगे इसमें हैचिंग कैपेसिटी आता है 500, तो आपका ओवरऑल कैपेसिटी हो जाता है 2000। लेकिन हमारे यहां पे खाली सेटिंग कैपेसिटी पकड़ा जाता है, हैचिंग कैपेसिटी नहीं पकड़ते हम लोग, इसलिए आपको ये पूरा जानकारी डिटेल्स में दे दिए। क्या वीडियो में लाइव हमारे पास मशीन भी है रेडी में, लेकिन आपको जब तक इस डायग्राम के हिसाब से नहीं बताएंगे तब तक व्यूअर्स को समझ में नहीं आता, इसलिए हमने ये बता इस दिए। तरह दोस्तों आपको पता चल गया होगा इंक्यूबेटर्स में एग्स कैसे रखे जाते हैं, मैं आपको डिटेल में बता दिया हूँ, आपको डायग्राम निकाल के बता दिया हूँ। अभी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में
इंक्यूबेटर्स में एग्स कैसे रखे जाते हैं 1000 और 1500 कैपेसिटी में, वो मैं आप तक लेके आऊंगा। तब तक के लिए चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, मतलब मेरे नए नए वीडियो आपके तक आते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।